पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर लाल डूडी ने रविवार को बीकानेर में नोखा के कई गांवों में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सबसे पहले डूडी जांगलू गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने करोड़ों की लागत से पूरे हुए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि नोखा विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे अधिक विकास कार्य कराए गए हैं। उन्होंने आने वाले समय में भी कांग्रेस सरकार की ओर से यहाँ के विकास के लिए पूरा बजट दिए जाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेंद्र गहलोत, जिला प्रमुख सुशील सिंवर, प्रधान मुन्नी देवी गोरछिया, उपखंड अधिकारी रमेश देव और सरपंच हेतराम बिश्नोई भी मौजूद रहे।